अर्ज सुनो मेरे सांवरिया, हमने सहारा तेरा लिया। बोलिए, अर्ज सुनो मेरे सांवरिया, हमने सहारा तेरा लिया। हमने सहारा तेरा लिया, हमने, अरे हमने सहारा तेरा लिया, हमने। किसने किसने सहारा लिया है शाम का? रोज मंगला आरती में बाबा की अर्जी लगती है, यहां गाना और शायद खाटू में अर्जी लग जाए। दोनों हाथों को उठाना और मिलकर जोरदार तालियां बजाकर बोलना, अर्ज सुनो मेरे सांवरिया, हमने सहारा तेरा लिया। अर्ज सुनो मेरे सांवरिया, हमने सहारा तेरा लिया, हमने सहारा तेरा लिया, हमने सहारा तेरा लिया। अर्ज सुनो मेरे सांवरिया, हमने सहारा तेरा लिया। अर्ज सुनो मेरे सांवरिया, हमने सहारा तेरा लिया। ये तालियां बजाकर, एक दो तीन चार। बोलिए, हारे के सहारे की। और पीछे वाले आप भी बजाओ, डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग। और क्या कहेंगे बाबा से, क्या यूं ही हमें तरसाओगे? बोलो, यूं ही हमें तरसाओगे? बोलो बोलो, क्या यूं ही हमें तरसाओगे? क्या यूं ही हमें तरसाओगे? बाबा कब हमें तरस हमने सहारा तेरा लिया। नैना हो गए बावरिया, हमने सहारा तेरा लिया, हमने सहारा तेरा लिया। बोलो, हमने सहारा तेरा लिया। अर्ज सुनो मेरे सांवरिया, हमने सहारा। दोनों हाथों को उठा लेना, जैसे द्रौपदी ने सहारा मांगा वैसे हाथों को उठाकर मांगना मिलकर। बोलो खाटू नरेश की जय हो, जय हो। बोलो श्याम प्यारे की। देखिए तालियां बजाते रहिए। श्याम बाबा कभी भी ये नहीं देखता कि मुझे किसने कितना सोना चढ़ाया, किसने कितनी सवामणि चढ़ाई, कितना छप्पर भोग लगाया, ये बाबा कभी नहीं देखते। लेकिन ये जरूर देखता है कि कीर्तन में किसने कितना गाया। उसका अकाउंट अलग होता है। किसने ताली बजाकर गाया उसका अकाउंट अलग होता है। किसने समर्पण करके गाया उसका अकाउंट अलग होता है। और किसने नाच कर गाया उसका अकाउंट अलग होता है। हमें एहसास नहीं होता, लेकिन कसम उस बाबा की है, कसम श्याम बाबा की, भगवान के कीर्तन में अपने शरीर का जितना भी अंग अगर लगा सको लगा देना, एक एक सेकंड का हिसाब मिलेगा।
जब कोई नहीं होगा ना, इन्हीं तालियों की इलाज रखने के लिए सांवरिया आएगा, इन्हीं तालियों के लिए। दोनों हाथों को उठाना। जब गज ने तुमको, जब इतनी बढ़िया तालियां बजे ना तो ढोलक तेज नहीं बजता। जब गज ने तुमको पुकारा था, बोलो, गज ने तुमको पुकारा था, जब गज ने तुमको पुकारा था, जब गज ने तुमको पुकारा, तब तूने जल में ग्राह को मारा था, तूने जल में ग्राह को मारा था, गज ने तेरा नाम लिया, हमने सहारा तेरा लिया, गज ने तेरा नाम लिया, हमने सहारा तेरा लिया। सिर्फ इतना ही सुना होगा कि गज की लाज बचाई, लेकिन कैसे बचाई? गज को बहुत घमंड था अपने शरीर पर कि मेरे से बड़ा बलवान इस धरती पर कोई नहीं। तालियां बजाओ ना। लेकिन जब मगरमच्छ ने भारी भरकम पांव को पकड़कर अंदर पानी में खींचने लगा, तब दो मिनट में उसे याद आ गया, समझ में आ गया कि इस धरती पर यह सिर्फ दिखावा है। अगर शक्ति कोई है तो उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति है, जिसके आगे सारी शक्ति फेल है। और सूंड उठाकर चिंघाड़ा, अगर ठाकुर नहीं आए तो मेरी लाज चली जाएगी। मुझे अफसोस है, मुझे अपनी बुद्धि पर तरस आ रही है कि मैंने अपने आप को सब कुछ मान लिया, जबकि मैं चींटी के बराबर भी नहीं हूं। तालियां बजाना। भगवान आए, कैसे आए पता है? गरुड़ भगवान पर चढ़कर आए, गरुड़ विमान लेकर आए, लेकिन लाज बचाई कैसे भारी भरकम हाथी की? सिर्फ एक उंगली नीचे की, सिर्फ एक उंगली, और एक उंगली से पकड़कर हाथी को बाहर कर दिया। जब गज ने तुमको पुकारा था, बोलो, गज ने तुमको पुकारा था, तूने जल में क्राह को मारा था, तूने जल में क्राह को मारा था, गज ने तेरा नाम लिया, हमने सहारा तेरा लिया, गज ने तेरा नाम लिया, हमने सहारा तेरा लिया। किसको किसको सहारा है, किसको किसको हाथ उठाकर? हमने सहारा तेरा लिया, हमने सहारा तेरा लिया, अर्ज सुनो मेरे सांवरिया, हमने सहारा। जब द्रौपदी तुमको पुकारी थी, बोलो नहीं, दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, ओ जब द्रौपदी तुझको टेरी थी, जब तूने एक पल की ना तेरी की, तूने एक पल की ना, द्रौपदी ने भी तालियां बजाते रहे। ये हाथ क्यों उठवाते हैं पता है? ये तालियां क्यों बजवाते हैं पता है? बहन जी, आपका माइंड सेट नहीं है, आप अपने में उलझे हुए हो, भगवान आकर चला जाएगा, नहीं मिलेगा। सारे घर वाले, रिश्तेदार नातेदार जो भी होते हैं ना, वो भी लास्ट समय में वहां पर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर ये खड़ा रहता है
अच्छी आत्मा को लेने के लिए ये खड़ा रहता है, अपने साधक अपने गरुड़ विमान पर बैठा कर ले जाता है। आंटी जी द्रौपदी की बात सुनो, ये हाथ इसलिए उठवाता हूं कि जब द्रौपदी को दुशासन ने कहा कि तेरे पांचों पति तुझे जुए में हार गए, चल द्रुत क्रीड़ा घर में, तो द्रौपदी को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसे अपने पांचों पतियों पर भरोसा था कि मेरे पतियों जो कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी है, उनके होते हुए मेरा कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है। बड़े शान से महल में गई, द्रुत क्रीड़ा घर में गई और जब वहां देखा, युधिष्ठिर की तरफ देखा नार जमीन में गड़ी है, अर्जुन की तरफ देखा नार जमीन में गड़ी है, भीम का भी यही हाल है, नकुल और सहदेव के क्या औकात, भीष्म पितामह को देखा उनकी नार जमीन में गड़ी है। तब द्रौपदी ने तब भी अपने हाथों से अपनी लाज बचानी चाहिए। ऊपर कन्हैया बांसुरी फूंक रहे हैं, तालियां बजाते रहे। रुक्मणी जी ने कहा अरे ठाकुर ये क्या लीला है, आपके बहन की लाज लूटी जा रही है और आप बांसुरी भूख रहे हो। कन्हैया ने कहा रुक्मणी मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ रहा है कि मेरी बहन को अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं है, अभी तक वो अपनों में घिरी हुई है, जिस समय जिस किसी भी क्षण वो अपनों से दूर हो जाएगी और जिस किसी भी क्षण वो दोनों हाथों को उठाकर मुझे पुकारेगी मैं पहुंच जाऊंगा। द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी बचानी चाहिए, नहीं बची, तालियां बजाना। और जैसे ही दोनों हाथ ऊपर किए, हे नारायण अब नहीं आए तो तुम्हारी बहन की लाज नहीं बचेगी। क्या किया तूने, एक पल की ना और किसी को दर्शन नहीं दिया, किसी को दर्शन नहीं दिया क्योंकि पापियों की जमात बैठी थी वहां पर। क्या किया, लाज भी कैसे बचाई, तू चीर में आकर समा गया, हमने सहारा तेरा लिया, तू चीर में आकर समा गया, हमने सहारा तेरा लिया। किसने किसने लिया है सहारा, हाथ उठा लेना, हाथ उठा लेना, पकड़ लेगा कृष्ण बाबा की पकड़ लेगा। अरे हमने सहारा तेरा लिया, हमने सहारा तेरा लिया, अर्ज सुनो मेरे सांवरिया, हमने सहारा तेरा लिया, अर्ज सुनो मेरे सांवरिया, हमने सहारा तेरा लिया। ये तालियां बजा कर किसका किसका, बाबा के भरोसे काम चल रहा है, आखिरी लाइन है और तालियां बजा कर कहना ठाकुर मेरा तेरे भरोसे डेरा है मेरा, तूने सबका पूर्ण काम किया, हमने सहारा तेरा लिया, सबका किया, हमने सहारा तेरा लिया। भजन खत्म हो गया।
भजन खत्म हो गया, किसको किसको अच्छा लगा है ऐसे भाव, जिनको ये भाव अच्छे लगे हैं पूरे हाथ उठाना और जोरदार आवाज में बोलना क्या। अर्ज सुनो मेरे सांवरिया, हमने सहारा तेरा, बोलो बोलो बोलो। अर्ज सुनो मेरे सांवरिया, हमने सहारा तेरा लिया, हमने सहारा तेरा लिया, बोलिए हमने सहारा तेरा लिया। अर्ज सुनो मेरे सांवरिया, हमने सहारा तेरा लिया।